करिश्मा, सबसे पहले तो आज एक ज्वेलरी का फोटो शूट था, उसके बारे में कुछ बताइए, कितना मज़ा आया इस शूट? हाँ, डेफिनेटली मज़ा आया है. आई एम अ गर्ल और हर लड़की को ज्वेलरी पसंद है, तो इट्स अ नाइस जॉब कि आप खूबसूरत लगो और अलग अलग किस्म के ज्वेलरी पहनो, तो इन्जॉय कर रही हूँ मैं. अच्छा, आज का जो फोटो शूट था उसको करने में कितना मज़ा आया हरीश के साथ? हरीश बहुत स्वीट है और बहुत ही फास्ट फोटोग्राफर है और अच्छी तरह से शूट करते हैं. उनका लाइटिंग बहुत ही अच्छा है, तो आई एम हैविंग अ गुड टाइम. पहली बार हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी बन रही है. अच्छा, ज्वेलरी की बात हो रही थी, किस तरह की ज्वेलरी आप पहनना पसंद करती हैं? जैसे कि मैंने अभी पहना है, काफ़ी सिंपल मैं पसंद करती हूँ. सिंपल चीज़ें, बहुत झकास वाली चीज़ें नहीं, सिंपल एंड एलिगेंट. कोई ऐसी मेमोरी जो ज्वेलरी के साथ जुड़ी हो पहली में? हाँ, एक्चुअली मेरे पापा ने काफ़ी साल पहले मुझे, वो कौन सा दिन होता है जहाँ पे आपको ख़रीदना चाहिए सोना? धनतेरस. हाँ, उस दिन पे उन्होंने मुझे इयररिंग्स दिए थे और दो तीन दिन बाद मैं शूट कर रही थी, तो मैंने इयररिंग्स को निकाल कर टिश्यू मैंने बैग में डाला. और घर जब मैं गई थी, मैंने सारा सामान बैग से निकाला और कचरा वचरा फेंक रही थी, और भूल से वो टिश्यू में जो इयररिंग्स थे वो भी मैंने फेंक दिया बाय मिस्टेक. तो पूरी रात मैं नीचे वॉचमैन के साथ सबका कचरे के अंदर ढूंढ रही थी वो इयररिंग्स जो कभी मुझे मिले नहीं हैं. सो नाउ आई एम वेरी केयरफुल कि मैं चीज़ें को संभाल कर रखूँ. अच्छा, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? जी, मैं एक पूजा भट्ट की पिक्चर कर रही हूँ जिसका नाम है लव अफेयर. वो इसमें है अली फजल और कालकी, वो नवंबर में शुरू होगा. और मैं एक पंजाबी पिक्चर अभी कर रही हूँ गिप्पी ग्रेवाल के साथ, वो टिप्स का पिक्चर है कुमार तौरानी का, और वो हम अभी चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं. एक अध्ययन सुमन के साथ भी एक फिल्म आने वाली थी, तो आई होप कि वो हमने पूरा लखनऊ में शूट किया था, एंड होप इंशाल्लाह वो जल्दी रिलीज हो. थैंक यू सो मच. बाय गाइस.